9 अप्रैल से शुरू हो रहा है हिंदू नववर्ष। इस साल के राजा मंगल और शनि होंगे मंत्री। ये 6 राशियां करेंगी पूरा साल ऐश। दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 9 अप्रैल 2024 से नया विक्रमी संवत 2081 शुरू हो जाएगा, यानी नए हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। और ज्योतिष में नया संवत्सर यानी नए हिंदू नववर्ष की सबसे ज्यादा भूमिका होती है, और इसी के आधार पर देशकाल के बारे में भविष्यवाणी की जाती है, गणनाएं की जाती हैं, किस राशि के लिए नया हिंदू नववर्ष कैसा रहने वाला है यह बताया जाता है, इसका आकलन किया जाता है। और आज किस पोस्ट में, मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, उन राशियों के बारे में बताऊंगा जो हिंदू नववर्ष की भाग्यशाली राशियां रहने वाली हैं, यानी 9 अप्रैल से जो नया विक्रमी संवत शुरू हो रहा है वो कौन सी राशियों के लिए शानदार तोहफा लेकर आ रहा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नए वर्ष के आकाशीय मंत्रिमंडल के राजा कौन है, मंत्री कौन है, और नववर्ष की शुरुआत किन शुभ योगों में हो रही है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नववर्ष 2 तरह से मनाया जाता है। जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है उसके हिसाब से 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन सनातन धर्म में नए विक्रमी संवत से नए साल की शुरुआत होती है, और इसे हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसमें नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन सनातन धर्म में विक्रमी संवत का पालन किया जाता है, और विक्रम संवत में तिथि को चंद्रमा की चाल पर निर्धारित किया जाता है। हिंदू कैलेंडर का पहला दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन पड़ता है, और इस दिन से नए हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल को मंगलवार के दिन नए हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है उसका जो शुभारंभ है 8 अप्रैल रात्रि 11:52 से होगा, और 9 अप्रैल को रात 8:33 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए उदय तिथि के मुताबिक नए संवत्सर जो है वो मंगलवार 9 अप्रैल को शुरू होगा। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, अमर सिद्धि योग नामक 2 बेहद शुभ योग रहने वाले हैं, क्योंकि मंगलवार के दिन नए विक्रमी संवत की शुरुआत हो रही है, इसलिए इस विक्रमी संवत के स्वामी मंगल ग्रह होंगे। मंगल की वजह से हिंदू नववर्ष जो है ये काफी अग्रेसिव रहने वाला है, क्योंकि मंगल साहस के, पराक्रम के, शौर्य के, सेना के, प्रशासन के, सिद्धांत आदि के कारक ग्रह हैं। राजा मंगल और शनि मंत्री होने की वजह से ये साल काफी उथल पुथल भरा भी रहने वाला है, और शासन में कड़ा अनुशासन देखने को मिलेगा। साथ ही देश दुनिया में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे सभी सरप्राइज और हैरान फील करेंगे। नया विक्रमी संवत 2081, इसका नाम क्रोधी रहेगा। पंचांग भेद से इसका नाम कालयुक्त है। इस वर्ष ग्रहों के दशाधिकार में 7 विभाग क्रूर ग्रहों को और 3 विभाग शुभ ग्रहों को मिले हुए हैं। मंगल के राजा और शनि के मंत्री होने से ये साल बहुत उथल पुथल भरा साबित होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि विक्रमी संवत्सर के प्रथम दिन सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, और इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी। भगवान श्री राम ने इसी दिन बाली का वध किया था। विक्रमादित्य ने अपने नाम से संवत्सर की शुरुआत भी चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही की थी, और यही वजह है कि हिंदू नववर्ष को विक्रमी संवत्सर भी कहा जाता है। हिंदू नववर्ष की विशेषता यह है कि वर्ष के पहले दिन चैत्र नवरात्रि पर्व शुरू हो जाता है। इस बार तो सूर्य ग्रहण भी एक दिन पहले लग चुका होगा, और सूर्य ग्रहण के अगले ही दिन नया विक्रमी संवत शुरू हो रहा है। अब मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि 9 अप्रैल से ये जो नया हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है वो किन राशियों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आ रहा है। इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, हो सकता है कि आपकी राशि भी उन भाग्यशाली राशियों में शुमार हो। पहली भाग्यशाली राशि वृषभ राशि है। हिंदू नववर्ष के राजा मंगल ग्रह होने की वजह से इसका फायदा वृषभ राशि वालों को मिलेगा। कार्य और प्रोफेशन की दृष्टि से ये जो नया हिंदू नववर्ष है वृषभ राशि वालों को कई तरह के सुखद सरप्राइज लेकर के आ रहा है, बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, और नए बिजनेस की आप शुरुआत भी इस दौरान कर सकते हैं जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। हेल्थ के लिहाज से भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा, आप मेंटली बहुत
सेटिस्फाई रहेंगे, मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे और आपकी पॉजिटिव एनर्जी में बढ़ोतरी होगी। साल में आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं, घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। नया साल आपके बच्चों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी और किसी बच्चे का विवाह संस्कार भी हो सकता है। दूसरी भाग्यशाली राशि मिथुन राशि है। हिंदू नव वर्ष में मिथुन राशि वालों के लिए धन के आगमन में वृद्धि होगी, भाइयों से आपको सहयोग और लाभ मिलेगा। राजा मंगल की वजह से सभी कार्यों को आप इस साल पूरा करते चले जाएंगे और नए गोल अचीव करेंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी, पारिवारिक सदस्यों के बीच में अच्छा प्रेम भाव बना रहेगा। बिजनेस की बात करें तो आपको बाहरी व्यक्ति और विदेशी संबंधों से भी लाभ हासिल होने वाला है। कारोबार में सफलता प्राप्त करने के लिए आप लगातार प्रयास करेंगे और आपकी चारों तरफ प्रसिद्धि होगी, डंका बजेगा। राजा मंगल की वजह से पुराने कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो निर्णय आपकी फेवर में आ सकता है और कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तीसरी भाग्यशाली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि वालों के लिए हिंदू नववर्ष काफी शुभ रहने वाला है। कार्यों में सफलता मिलेगी, बिजनेस में भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह साल काफी शुभ रहने वाला है। कैरियर में तरक्की के योग बनेंगे, कई खास लोगों से मुलाकात होगी जिससे आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और आपके आसानी से काम बनते चले जाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और समाज में आपका यश और मान बढ़ेगा। चौथी भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि है। विक्रमी संवत 2081 में वृश्चिक राशि वालों को इनकम के नए नए सोर्स जो है वो डेवलप होंगे, विकसित होंगे, सुख सुविधाओं में इजाफा होगा और आप मटीरियलिस्टिक लाइफ जी पाएंगे। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होती जाएगी, आपकी जमा पूंजी में बढ़ोतरी होगी। राजा मंगल की वजह से नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके कैरियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, अपना कोई नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं और आप अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से आगे बढ़ेंगे। और जो नव विवाहित दंपत्ति है उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति हो सकती है और कारोबार बिजनेस में आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, लाभ मिलेगा। कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अपने मन को एकाग्रचित करके अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे और राजा मंगल आपको जबरदस्त कामयाबी देंगे। पांचवी भाग्यशाली राशि धनु राशि है। धनु राशि वालों के लिए हिंदू नववर्ष काफी सफलता लेकर आ रहा है। भाग्य का साथ मिलने से आप हर कार्य में सफलता हासिल करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आपके इच्छित लाभ मिलेंगे, आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। प्रतिद्वंदी आपके कार्यों में बाधा डालने की कोशिश तो करेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे क्योंकि आप डटकर सामने खड़े हो जाएंगे और डटकर उनकी चुनौतियों का सामना करेंगे। बचत करने में आप कामयाब रहेंगे। राजा मंगल के प्रभाव के कारण विदेश जाने का योग भी बन रहा है और माता पिता के साथ आपके संबंध और बेहतर होंगे और परिवार के सदस्यों के बीच में गुडविल बनी रहेगी। छठी भाग्यशाली राशि मीन राशि है। हिंदू नववर्ष मीन राशि वालों के लिए राजा मंगल के प्रभाव से बेहद अनुकूल रहने वाला है। नौकरी पेशा जो लोग हैं मीन राशि के उन्हें कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कैरियर में तरक्की होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, शत्रुओं पर आप विजय हासिल करेंगे, धार्मिक यात्राओं के योग भी बनेंगे। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो आपका स्वास्थ्य आप बेहतर होने लगेगा और धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटेंगे और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये जो नया हिंदू नववर्ष है बहुत ही अनुकूल रहने वाला है और आपको अपने जीवन साथी और भाइयों का सहयोग भी हासिल होगा। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से बता दूं कि 9 अप्रैल से नया विक्रमी संवत, नया हिंदू नववर्ष 2081 शुरू होने जा रहा है और कई राशियों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं हूं गुरमीत बेदी।